हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। मोशन इन अ प्लेन का एक क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इज फ्लोइंग ड्यू टू ईस्ट। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। और ये चार चॉइस दे रखे हैं और ये नीट 2019 में क्वेश्चन आया है। देखिए, सबसे पहले इसका हम एक सुंदर सा अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं कि मान लो ये रिवर की विड्थ है, ये रिवर की विड्थ है, ये विड्थ ऑफ रिवर हो गई आपकी, दिस इज अ विड्थ ऑफ रिवर। और रिवर आपकी जो फ्लो कर रही है, क्वेश्चन में गिवन है कि रिवर जो फ्लो कर रही है वो 10 मीटर पर सेकेंड से फ्लो कर रही है। द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एक बताओ, ये किसी ने जो स्पीड बताई होगी रिवर की, कि रिवर की जो स्पीड है, ये रिवर की स्पीड वो 10 मीटर पर सेकेंड है। वी आर स्पीड ऑफ रिवर है, रिवर स्पीड ऑफ रिवर वाटर, रिवर ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम होगी। मतलब कोई व्यक्ति अगर ग्राउंड से देख रहा है, जैसे ये ग्राउंड है, यहां से अगर कोई देख रहा है ऑब्जर्वर वन, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, उसने इस रिवर की स्पीड को बताया है कि रिवर की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ये स्पीड ऑफ रिवर वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है। अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। वो इस जगह पे खड़ा है, मतलब साउथ डायरेक्शन मान लेते हैं हम इसको। देखो, ये ईस्ट है आपकी, ये वाली, ये नॉर्थ हो जाएगा फिर, और ये वाला वेस्ट हो जाएगा, और ये वाला बैंक जो होगा, ये वाला पूरा, ये साउथ हो जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन में कह रहा है द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों को लगता है ये स्विमर की स्पीड है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है ये 20 मीटर पर सेकेंड दे रखे, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड नहीं है, स्विमर की स्पीड है वाटर में 20 मीटर पर सेकेंड। इसको यही समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्पीड दे रखी है स्विमर की, वो विद रेस्पेक्ट टू रिवर है। ये स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर अगर ये क्वेश्चन में गिवन है हमको, कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये है क्या, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये स्पीड ऑफ स्विमर है, स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर, रिवर वाटर मतलब कोई व्यक्ति अगर रिवर में, एक मान लो कि कोई व्यक्ति यहां पर बोट में बैठ के या किसी भी चीज में बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा है, स्विमर को, सेकंड ऑब्जर्वर, ये सेकंड ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बैठा, विद रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर मतलब सेकंड ऑब्जर्वर, सेकंड ऑब्जर्वर, और ये जो विद रेस्पेक्ट टू है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वर, फर्स्ट ऑब्जर्वर, ये यहां से बैठ के स्विमर की स्पीड को देख रहा है, ये देख रहा है स्विमर की स्पीड को, इसीलिए स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर वाटर है। ये लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट। तो अब आगे पढ़ते हैं। तो यहां पर आपका एक स्विमर खड़ा हुआ है और उसको ये देख रहा है, तब उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यहां पर खड़ा हुआ है साउथ बैंक पर, एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो चाहता है कि वो यहां से, ये इनिशियल पॉइंट है इसका, और वो चाहता है कि यहां पर वो पहुंच जाए, दिस इज अ फाइनल पॉइंट। ऐसा मैंने क्यों कहा, वो चाहता है यहां,
मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसे इस दृश्य में स्विमर को तैरना चाहिए, उसकी विश क्या है, उसकी विश है कि वो क्रॉस करे रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से, तो इससे शॉर्टेस्ट पाथ कोई नहीं है बेटा। ऐसे अगर वो यहाँ पर पहुंचता तो ये लॉन्गेस्ट पाथ हो जाता, अगर वो यहाँ पर पहुंचता तो उसका लॉन्गेस्ट पाथ हो जाता, तो ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ है बेटा ये। तो वो चाहता है कि यहाँ से तैरना शुरू करे और वो यहाँ पर पहुंच जाए, तो ये सबसे इसका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगा। लेकिन उसे तैरना कैसे चाहिए, तो देखो रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, अगर वो सीधा तैरा तो नदी का भाग उसे आगे ले जाएगा, लेकिन अगर वो ऐसे तैरे इस नॉर्थ से कुछ एंगल बनाते हुए ऐसे, स्विमर तैरता है ऐसे, स्विमर ऐसे तैरता है ऐसे, तो ये स्विमर की स्पीड है। लेकिन कौन देख के बता रहा है इसको स्विमर की स्पीड को, ये ऑब्जर्वर सेकंड बता रहा है, मतलब ये विद रेस्पेक्ट टू रिवर के रेस्पेक्ट में स्विमर की स्पीड है। जानते हो स्विमर की स्पीड कौन सी होती है, स्विमर की जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ स्विमर, ये वो होती है स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये स्विमर की स्पीड वो होती है जो असलियत में स्विमर जहां पहुंच रहा है, स्विमर यहां पहुंच रहा है, तो इन दोनों की स्पीड ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, या इसे आप रिजल्टेंट स्पीड ऑफ स्विमर, स्विमर एंड रिवर भी बोल सकते हो। स्विमर की स्पीड वो होगी जहां असलियत में स्विमर पहुंचता है, तो स्विमर असलियत में तो यहां पहुंच रहा है, तो वो क्या होगी, ये असलियत में स्विमर तैर के यहां पहुंचना चाहिए, तो असलियत में यहां पहुंचेगा, तो ये क्या है, ये स्विमर की स्पीड है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वर, फर्स्ट ऑब्जर्वर, इसको पहले समझो। क्वेश्चन करना बड़ा आसान काम है, क्वेश्चन तो हम कर देंगे है ना, क्वेश्चन करने में तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, मेन चीज है नेम पर कॉन्सेंट्रेट करना। अब ये इसकी स्विमर की स्पीड है वो क्या है, असलियत में वो यहां पहुंचा तो वो तैरना शुरू किया ऐसे और रिवर ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है बेटा। देखो मैंने पैलोग्राम बना लिया, ये इसको क्या कह सकता हूं मैं, दिस इज अ वी आर वेक्टर, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है किसकी, वी आर वेक्टर, वी आर सर वी एस आर वेक्टर की रिजल्टेंट वेलोसिटी है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि वी एस वेक्टर इक्वल टू वी आर वेक्टर प्लस वी एस आर वेक्टर। अब देखो इन तीनों वेक्टरों में से, इसमें से, इसमें से और इसमें से, तीनों में चेक करोगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वी एस होगी, और ये स्विमर की असली वेलोसिटी है। असली मतलब कहां से देख के बता रहे हैं हम, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, हम जब वो तैरता हुआ जाएगा तो वो हमें ऐसे दिखेगा कि वो यहां पहुंचा है। तो पहले इनके नेम पर कॉन्सेंट्रेट करिए आप। अब वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि ये नॉर्थ के रेस्पेक्ट में इसे किस दर्शन में तैरना चाहिए, तो ये एंगल वो तैर रहा है थीटा, ये थीटा पूछ रहा है, तो ये एंगल वो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ बना रहा है थीटा डिग्री, तो वेस्ट ऑफ नॉर्थ बोलेंगे, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक। तो कितना एंगल बना रहा है, अब इस एंगल को निकालना है, तो देखो हमारे पास वी आर तो है, वी आर हमारे पास कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स मेरे पास ये वाला वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास ये वाली वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड। अब सोचो इसमें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, और अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो मेरे पास इस एंगल को निकालना है, मेरे को ये गिवेन है और ये गिवेन है, मतलब थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर गिवेन है और हाइपोटेन्यूज गिवेन है, तो मेरे को क्या लगाना चाहिए, साइन टेन कॉस क्या लगाएं, मेरे को पास परपेंडुलर है इस एंगल के लिए, परपेंडुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो इस एंगल को निकालने के लिए मेरे को क्या लगाना चाहिए, साइन कॉस या टेन, सोचो। तो साइन लगाना चाहिए, क्यों,
विद साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडुलर बटे हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडुलर हो गया वी आर और हाइपोटेन्यूस हो गया वी एस आर। वी आर मेरे को गिवन है 10 और मेरे पास ये गिवन है 20, ये हो गया 1/2। इसलिए साइन थीटा ये वैल्यू हो गई साइन 30 की, इससे कट गया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये एंगल किससे बना रहा है? नॉर्थ से, है ना। तो ये किसके बीच में है? ये जो तैर के गया स्विमर, वो कैसे तैर के गया ये पूछ रहा है। तो वो वेस्ट और नॉर्थ के बीच में तो तैर के जा रहा है, तो इसको लिखेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ। वेस्ट ऑफ नॉर्थ इसका मतलब क्या होता है? नॉर्थ से वेस्ट की ओर 30 डिग्री बनाते हुए, नॉर्थ से 30 डिग्री बनाते हुए वेस्ट की ओर वो तैर रहा है, उसे लिखते हैं वेस्ट ऑफ नॉर्थ। जिससे एंगल बनाता है ना, नॉर्थ से एंगल बना रहा है, लेकिन है किसके बीच में? वेस्ट और नॉर्थ के बीच में है। तो जिससे एंगल बना रहा है उसे छोड़ेंगे और बोलेंगे वेस्ट ऑफ नॉर्थ, स्टार्ट वेस्ट से करेंगे। तो ये इसका आंसर हो गया। इसीलिए वो यहां पर पूछ रहे हैं ना, विद रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवेन बाई, तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसकी डी चॉइस हो गई। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। उम्मीद करता हूं आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिला होगा। क्वेश्चन आसान था, बट इसमें इन चीजों को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि किसका नेम क्या है। सबसे पहले इनको समझो, फिर क्वेश्चन करना तो आसान है। ठीक है, थैंक यू।